और मेरा नाम है पंकज, मैं करता हूँ आपका स्वागत मेरे इस चैनल पे। इस एपिसोड में हम चालू करने वाले हैं अपनी जर्नी ईस्टर्न कोस्टल राइड की, जो चालू होने वाली है चेन्नई से और खत्म होगी त्रिवेंद्रम तक। तो 12 दिन के इस सफर में मैं जाऊंगा पूरे ईस्टर्न कोस्टल रोड पे ही ड्राइव करूंगा चेन्नई से त्रिवेंद्रम तक, और इसके बीच में आने वाले सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और आप भी घूमिए मेरे साथ ये ईस्टर्न कोस्टल राइड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा बीकानेर से चेन्नई पहुंचने तक का पूरा सफर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे की इस जर्नी को। जब हम चेन्नई के अष्टलक्ष्मी मंदिर में थे तब हमारे पास एक हेलो लवड़ा ఒకటే సావదెంగుతుర్ కాలేజ్ కాలేజ్ అని మీరు బెట్టే ఫుడ్ మీరు బెట్టే చదువు ఆ ये लड़का तेलुगु में मुझे कुछ समझाना चाह रहा था, लेकिन मुझे इसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। काफी मशक्कत करने के बाद मुझे कुछ इसके वर्ड समझ में आए और उस हिसाब से मैंने अपना बैग देखा तो उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर था, जिसमें हमारे तीनों बाइक्स की ओरिजिनल RC, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे इंपॉर्टेंट, वो पूरा फोल्डर ही मेरे बैग से मिसिंग था। इसके आगे की कहानी आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। कल शाम को हमने ले ली थी अपनी गाड़ियाँ, फिर हमने बुक की थी ये होटल फॉर यू बिजनेस क्लास, और आज हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से पुलिकेट लेक, जो कि है यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर दूर, और वो पुलिकेट लेक देखने के बाद वापस आएंगे चेन्नई, और फिर यहाँ के जो भी लोकल टूरिस्ट पॉइंट होंगे वो हम सारे आज एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दिन और चलते हैं सबसे पहले लेक की तरफ। पहुंच गए हैं आज हमारी पहली डेस्टिनेशन पे, जो कि है पुलिकेट लेक, और चेन्नई से है करीब ये 50 से 55 किलोमीटर दूर, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल हरे भरे और पेड़ों के बीच से होता हुआ रास्ता निकला हुआ था छोटे छोटे गांव से, और हम फाइनली पहुंच गए हैं इस डेस्टिनेशन पे। तो ये एक छोटी सी लेक है जो आके जाके जुड़ जाती है सी में, और यहाँ पर जो लोकल यहाँ के गाँव के लोग हैं पकड़ रहे हैं मछलियाँ खूब सारी, और खूब सारी रंग बिरंगी बोट्स आपको देखने को मिल सकती है मेरे पीछे, और सामने भी खूब सारी बोट्स हैं। अभी हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ बोटिंग भी करेंगे। चलते हैं फिर आगे। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये लेक है, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग की अभी हमने बात की है तो करीब 1000 रुपीज़ चार्ज बता रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा दूर आइलैंड है, वहाँ आइलैंड पे लेके जाएंगे और यहाँ लोकल फिशिंग भी करते हुए आपको दिखाएंगे। छोटा सा ये गांव पुलिकेट और उसके पास ये लेक, और ये लेक मिलती है आगे जाके एक मेन बे ऑफ बंगाल जो समुद्र है वहाँ जाके मिलती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा समुद्र भी है, आगे लेक, बीच में छोटा सा गाँव और पीछे एक समुद्र है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आइए एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। निकल गए हम पुलिकेट लेक से, बोटिंग हमने नहीं की है, ये मेरा साइड ग्लास भी थोड़ा सा लूज़ हो गया है, इसको भी थोड़ा टाइट करवाना पड़ेगा। तो बोटिंग हमने नहीं की है और डायरेक्टली निकल गए हैं, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी और समय हमारे पास था थोड़ा कम, हमें चेन्नई भी पहुंचना है टाइम से। तो
तो बिना बोटिंग किए ही अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं डायरेक्ट। लेकिन नज़ारों की बात करें तो नज़ारे यहाँ बहुत ही खूबसूरत थे। तो रास्ते में रुके हैं कुछ फ्रूट्स खाने के लिए, बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है बाइक चलाते जाते इतनी धूप में, तो फ्रूट्स और जूस खाते पीते हैं रास्ते में ताकि बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो। तो रास्ते में रुके हैं हम एक जगह पे, कुछ गाड़ी में छोटी सी दिक्कत आ गई है, तो एक गाड़ी भी हम दिखा रहे हैं और मेरा भी कुछ साइड ग्लास में प्रॉब्लम था, बहुत हिल रहा था, आपने अभी वीडियो में देखा होगा, तो उसको भी अभी टाइट करा रहे हैं। और फिर बस अब पुलिकेट लेक पूरी हमने कवर कर ली, अब इसके बाद चलते हैं आगे चेन्नई। चेन्नई में फिर जो भी लोकल टूरिस्ट पॉइंट होंगे वो आज हम कवर करेंगे। चलिए, पुलिकेट लेक से चेन्नई पहुंचने में हमको करीब 1.5 घंटे का समय लगा। तो पहुंच गए हैं अब हम चेन्नई के दूसरे पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन पे, जो कि है चेन्नई का लोकल म्यूजियम। पहले इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़ा भी म्यूजियम दिख रहा है। तो आइए पहले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर। चेन्नई का ये लोकल म्यूजियम काफी बड़े एरिया में बसा हुआ है और काफी अलग अलग पार्ट्स में भी बना हुआ है। ये म्यूजियम 1851 में बनके तैयार हुआ था और अभी करंटली रोज सुबह 9:30 से 5:30 तक खुलता है, लेकिन वीक में फ्राइडे के दिन ये बंद रहता है। अब हम म्यूजियम के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। चेन्नई में लोकल घूमते घूमते हमको मिला है ये केले का पकौड़ा, जो केले को छील के उसका पूरा ब्रेड के पकौड़े के जैसे उसका केले का पकौड़ा बनाया, तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ की लोकल डिश। कैसा लगा पकौड़ा? बहुत मस्त। यहाँ पर इस कच्चे केले को काट कर बेसन में डिप करके फ्राई किया जाता है। क्या क्या है ये लेके? कैसा लगा खाने में? मस्त है। तो पहुंच गए हम चेन्नई के दूसरे लोकल अट्रैक्शन पॉइंट पे, जो कि है अष्ट लक्ष्मी टेम्पल। ये लक्ष्मी जी का यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, अष्ट लक्ष्मी मंदिर इसे कहा जाता है क्योंकि 8 रूप में देवियों को यहाँ दिखाया गया है। अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं इस यहाँ के मंदिर को। ऐसे यहाँ 8 लक्ष्मियों के दर्शन होते हैं, 8 रूप में लक्ष्मियों के दर्शन होते हैं। जैसे ये स्थानम लक्ष्मी है, इसके बाद विजय लक्ष्मी, फिर विद्या लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, समुद्र के किनारे बना ये माता लक्ष्मी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल पास ही पीछे आप देख रहे हैं मेरे समुद्र है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा यहाँ चल रही है और जो लहरों की जो आवाज़ है वही दिल को सुकून देने वाली है। तो पहुँच गए हम एक और चेन्नई के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पे, जो कि है यहाँ का फेमस चर्च और बहुत ही खूबसूरत है ये चर्च। मैं आपको अभी दिखाता हूँ पूरा फेमस ये चर्च, बहुत ही खूबसूरत ये चर्च है बिल्कुल समुद्र के किनारे पे।
समुद्र के किनारे बसा चेन्नई का ये चर्च बहुत ही खूबसूरत था और मैंने तो अभी तक इतना सुंदर चर्च कहीं नहीं देखा था। ये चर्च हाल ही में अभी दिसंबर 2021 में इनॉग्रेट किया गया था। हम अभी पहुंच गए हैं चेन्नई के थाउजेंड लाइट्स मेट्रो स्टेशन पे। तो चेन्नई लोकल घूमने के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं चेन्नई की लोकल मेट्रो में। हमने सोचा क्यों ना चेन्नई की लोकल मेट्रो ट्रेन भी देखी जाए, तो बस आ गए एक राउंड लेने के लिए यहाँ की मेट्रो में। और उसके बाद हम निकल पड़े थे चेन्नई के रोड्स पे एक राउंड लगाने के लिए। हमें अभी मरीना बीच की तरफ जाने वाली इस रोड पे, और इस रोड पे आपको दिख जाएगी चारों तरफ खूबसूरत ऊंची ऊंची हेरिटेज पुरानी बिल्डिंग्स, जो दिखती है लाइट्स में और भी ज़्यादा खूबसूरत। चेन्नई के इस पार्ट में बसी इन बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। अब हम पहुंच गए हैं मरीना बीच के इस चौपाटी पॉइंट पे। अभी अंदर बीच की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाहर से ही ये चौपाटी का एरिया बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। यहाँ खाने पीने की काफ़ी सारी स्टॉल्स थी और एक्टिविटी करने के लिए भी काफ़ी कुछ था। ये चेन्नई का एक्टिव लाइट हाउस है। रही बात उस मिसिंग फोल्डर की, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे वापस जाना पड़ेगा। इस एपिसोड का आपको ये सीन तो याद ही होगा। ये ड्रोन शॉट मैंने पुलिकेट लेक में लिया था, और ड्रोन को यहाँ पर ऊपर टेक ऑफ करने के लिए मैंने अपना फोल्डर इधर रखा था, और उस फोल्डर के ऊपर ही ड्रोन को रख के टेक ऑफ करवाया था। लेकिन ड्रोन को उतारते वक्त ड्रोन क्रैश हो गया था, और फिर मैंने वहाँ ड्रोन को वहाँ से उठाया और पैक करके डायरेक्टली हम वहाँ से निकल गए थे, और मैं इस फोल्डर को यहाँ से लेना भूल गया था और मुझे इसका ज़रा भी आइडिया नहीं था। और अष्टलक्ष्मी मंदिर में जिस लड़के का फ़ोन आया था, वो तेलुगु में हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर पुलिकेट में उसे हमारा ये डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर मिला है। और उसी के बाद ही मैंने अपना बैग चेक किया, तब मुझे पता पड़ा था कि मेरी RC वाला फोल्डर गायब हो चुका है। और वो फोल्डर था भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ट्रिप तो भी हमारा आज ही स्टार्ट हुआ था और आगे काफ़ी लंबा जाना था, और उसके बिना यह ट्रिप पॉसिबल ही नहीं था। आज हमें निकलना था महाबलीपुरम, लेकिन किसे पता था कि इसी ट्रिप में हमें दोबारा से जाना पड़ेगा पुलिकेट लेक। तो आज सुबह हम वापस जा रहे हैं चेन्नई से पुलिकेट लेक वो डॉक्यूमेंट फोल्डर वहाँ से लेने के लिए। तो फाइनली हमको जो RC तो मेरी खो गई थी, फाइनली हमको लौटा दी है इन दो भाइयों ने। हम वापस चेन्नई से अभी पुलिकेट लेक की तरफ आए हैं, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इन दोनों भाइयों ने मेरे RC वापस दे दी। इनका कल कॉल आया था मेरे पास, तो हम पुलिकेट वापस आए हैं सिर्फ RC लेने के लिए। तो विनेश और ब्रज ने काफ़ी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब हम जा रहे हैं वापस चेन्नई की तरफ, और फिर वहां से जाएंगे आज महाबलीपुरम। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि आगे और भी खूबसूरत ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।